हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस का टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में कुछ बातें करेंगे और समझेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट कैसे लगता है, इसके क्या लाभदायक इफेक्ट हैं और क्या इसके हानिकारक इफेक्ट हैं, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक अच्छा लगे तो कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट या इसे हरित गृह प्रभाव कहते हैं, ये क्या करता है भाई, इसका मेनली प्रभाव होता है टेम्परेचर को बढ़ाना। ये क्या करता है, टेम्परेचर को बढ़ाता है, जो तापमान होता है उसे क्या करता है, बढ़ाता है। तापमान को बढ़ाना इसका मेनली काम होता। ठीक है, ये तो बात होगी। अच्छा, कैसे बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है, इसके लिए जिम्मेदार होती है कुछ गैसें, कुछ गैसें जिन्हें हम क्या कहेंगे, मुख्य गैसें। मुख्य गैसें कौन कौन सी हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को लगाने के लिए योगदान देती हैं, जैसे हमारी होगी कार्बन डाइऑक्साइड या हम इसे कह देते हैं CO2। ठीक है, और दूसरी गैस इसके लिए मीथेन, दूसरी गैस कौन सी है, मीथेन, जिसे हम CH4 भी कह देते हैं या इसे मार्स गैस भी कह देते हैं। मार्स गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दलदली क्षेत्रों से निकलने वाली गैस है, दलदली क्षेत्रों से निकलने वाली गैस है और ये गैस धान के खेतों से भी निकलती है। कहाँ से, धान के खेतों से, दलदली क्षेत्रों से, और कहाँ से निकलती है भैया, धान के खेतों से। धान के खेतों में एक बैक्टीरिया होता है जो इस गैस को उत्सर्जित करने में योगदान देता है। ठीक है, और कहाँ से निकल रही है गैस, और जानवरों के जो पशु होते हैं, पशुओं के अमाशय से या गोबर में इस गैस का निर्माण होता है, जो मिथेनोजन बैक्टीरिया है इस गैस का निर्माण करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देखो हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ चलेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अगर किसी चीज को हम जलाते हैं तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, हम श्वसन करते हैं, श्वसन में कौन सी गैस छोड़ते हैं भी, कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। और अगली गैस, देखो दो गैस होती है, और एक दो, और तीसरी गैस मैं यहां लिख देता हूं, तीसरी गैस होती है CFC, इसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस निकलती है भैया एसी से, एयर कंडीशन से और फ्रिज से जो ठंडा करने वाला होता है ना, उससे भी ये गैस निकलती है, और हवाई जहाजों से भी ये गैस निकलती है। और चौथी गैस होती है इसमें N2O, या इसे हम कह देते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड गैस है भाई, इसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है, ये वो नाम भी आप याद रख सकते हो, इसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है। हमें तो बात करनी है मेनली ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। तो देखो, जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो मेनली चार गैसों से लगता है। पहली गैस कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2, दूसरी कौन सी, मीथेन, और तीसरी CFC, और चौथी N2O या नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा, इसमें परसेंटेज उनसे पूछ ली जाती है कि बताइए जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की मुख्य गैस है उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी होती है, इन चारों में से सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है 60% किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, और मीथेन यहाँ पर योगदान देती है 20%, और CFC यहाँ पे योगदान देती है 14%, और नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे योगदान देती है 6%।
ठीक है भाई। और इसके अलावा भी तुमसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए भाई इसके अलावा भी कुछ ऐसे होती है क्या, तो इसके अलावा नोट करके आप लिख सकते हो, नोट करके आप लिख सकते हो। वैसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, चार कैसे इम्पोर्टेंट है, जैसे SO2 हो गई, NO2 हो गई, और कभी कभी ओजोन भी, और कभी कभी ओजोन भी, नोट कर लिए। इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन कुछ किताबों में दे रखा है। अगर हम अकॉर्डिंग टू द NCERT पढ़ेंगे तो भैया NCERT ने इन चीज़ों को नहीं लिखा, NCERT ने इन चीज़ों को नहीं लिखा है, NCERT के अकॉर्डिंग हम लिख पाते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए ग्रीन हाउस इफेक्ट का, ग्रीन हाउस इफेक्ट की मुख्य गैस कौन सी, मुख्य गैस नहीं, मुख्य गैस नहीं, या केवल लिख के आ जाए ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैस कौन सी नहीं है। ऑप्शन में आपको दे दिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड पहला ऑप्शन दे दिया जाए, दूसरा आपको दे दे CH4, तीसरा ऑप्शन आपको दे दे N2O, और चौथा ऑप्शन आपको दे दे। अगर तुमसे पूछ रहा है कि कौन सी गैस नहीं है तो बताओ आप कौन सा आंसर लगाओगे, अब कॉज आपको इस आंसर पे जाना पड़ेगा, ठीक है, ओजोन, क्योंकि ये तो मुख्य गैस हो गई। ठीक है, यहाँ पे उसने CFC के जगह चौथी गैस कौन सी लिख दी, ओजोन। तो ये आप याद रखो, PCS के पेपर में आया क्वेश्चन है, अभी कुछ दिन पहले ही जो PCS का पेपर हुआ था अक्टूबर मंथ में, शायद उसमें आया हुआ पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं ये कैसे टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती है। तो देखो जब ये गैसें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में वातावरण के अंदर हो जाती हैं तो गैसें पृथ्वी के चारों तरफ एक आवरण बना लेती हैं, जिससे सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जो कम तरंग दैर्ध्य वाली होती हैं वो पृथ्वी पे आ तो जाती हैं, लेकिन अधिक तरंग दैर्ध्य वाली किरणों को ये लेयर जो है वापस जाने नहीं देती। अब समझेंगे कैसे, ठीक है भाई, ध्यान से समझना है कि बात, ठीक है, समझेंगे हम कैसे। अच्छा, CO2 के बारे में पूछा जाता है कि CO2 बताओ प्रदूषक गैस होती है कि नहीं, तो ये सामान्यतः प्रदूषक नहीं होती, ये गैस सामान्यतः प्रदूषक नहीं होती, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये गैस प्रदूषक की तरह व्यवहार करती, सामान्यतः प्रदूषक नहीं होती, लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो ये प्रदूषक की तरह व्यवहार करती है। कैसे व्यवहार करेगी भी देखेंगे इस बात को, ठीक है। तो मैंने बताया चार गैसें इसकी मुख्य गैस है जो किसे बढ़ाने का काम करेंगी भी, टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करेंगी। कुछ किताबों में SO2 और ओजोन के बारे में भी लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हें केवल NCERT के बारे में ही याद रखना है। NCERT लिंकिंग गैसों को ग्रीन हाउस गैस मानती है, केवल इसके बारे में तुम्हें बातें याद रखनी, ठीक है। अब देखो NCERT ने किसे किसे कहा है मुख्य गैस, सबसे पहले नंबर पे CO2, दूसरे नंबर पे CH2, तीसरे नंबर पे CFC और चौथे नंबर पे N2O। इसे 60% और इसे 20% और इसे 14% और इसे कितना भी 6%, ठीक है, ये इस पर कंसंट्रेशन करें। ये क्या करती है भाई, देखो जब जैसे ही हमारी अर्थ है, जैसे ही हमारी क्या है भाई, अर्थ है, अर्थ है क्या है भाई, पृथ्वी, हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों तरफ क्षोभ मंडल वाली जगह, कौन से मंडल वाली जगह में भाई, क्षोभ मंडल, या अंग्रेजी में उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फीयर, क्या कहते हैं भाई, ट्रोपोस्फीयर उसे कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों तरफ इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, पृथ्वी के चारों तरफ CO2, कौन सी भी मेनली CO2 एक आवरण बना रही है, CO2 ने एक आवरण बना रही है पृथ्वी के चारों तरफ। और ये जो सन है, और ये जो हमारा सन है, ठीक है, सन से जो प्रकाश की किरणें आती हैं, ये सन हो गया, सन से जो प्रकाश की किरणें आती हैं कम तरंगदैर्ध्य, ये प्रकाश की किरणें आई सन से, ये सन से प्रकाश की किरणें आई पृथ्वी पे आ गई, इनकी तरंग दैर्ध्य क्या है भाई, इनकी तरंग दैर्ध्य क्या है, देखो तुमने एक बात पढ़ी होगी E = hc / λ,
लैम्डा क्या होता है भाई, तरंग दैर्ध्य है। लैम्डा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य है। और ई क्या होता है, ई क्या होता है भाई, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा के होता है। ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है भाई, लैम्डा के होता है। अगर तरंग दैर्ध्य कम है किसी की तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर तरंग दैर्ध्य कम है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। तरंग दैर्ध्य क्या मान लिया है आपने, कम। तरंग दैर्ध्य कम है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये कम तरंग दैर्ध्य वाली किरणों को पृथ्वी तक आने तो देती है, लेकिन अधिक तरंग दैर्ध्य वाली, जो अधिक तरंग दैर्ध्य, अधिक लैम्डा, लैम्डा लिखूंगा मैं तरंग दैर्ध्य, तो अधिक तरंग दैर्ध्य और कम ऊर्जा वाली, और कम ऊर्जा वाली किरण जब यहाँ से वापस जाना चाहती है, जब ये वापस जाना चाहेगी तो ये किरणें क्या, ये जो हमारी लेयर है, जो हमारी CO2 की लेयर है, जो हमारी CO2 की लेयर जमा हुई है, ये इन्हें वापस जाने से रोक लेगी, इन्हें बाहर की ओर जाने नहीं देगी। तो देखो बाहर की ओर ये नहीं जा पाएंगी, तो बताओ ऊर्जा लगातार पृथ्वी पे बढ़ती रहेगी, ऊर्जा लगातार पृथ्वी पे बढ़ती रहेगी, ऊर्जा लगातार पृथ्वी पे बढ़ेगी तो बताओ भाई तापमान भी लगातार क्या होता रहेगा, तापमान भी पृथ्वी पे लगातार बढ़ता रहेगा। जब पृथ्वी पे तापमान लगातार बढ़ेगा तो बताओ क्या होगा भाई, तब क्या होगा, पृथ्वी गर्म हो जाएगी, पृथ्वी गर्म हो जाएगी और पृथ्वी पे गर्मी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। पृथ्वी पे गर्मी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, जिसे हम क्या कह देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं। क्या कह देते हैं भाई, ग्लोबल वार्मिंग इसको कह दिया जाता है। पृथ्वी उष्णता, पृथ्वी उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग इसको कह दिया जाता है। अब तुम कह, तुमने नाम तो बहुत सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अरे अगर हम इनडायरेक्टली कहें तो हम खुद ही ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे CO2 को हम बढ़ा रहे हैं, किसी चीज को जलाते हैं, पेड़ पौधों कोयला या फिर पेट्रोल को बढ़ा रहे हैं, CO2 निकलती है, सीचबोन निकलती है, ये सारी चीजें किसे बढ़ाने का काम करती है, ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा ये ग्रीन हाउस के द्वारा टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सर लगातार अगर टेम्परेचर ऐसे बढ़ने लगा तो क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर अगर टेम्परेचर ना बढ़े तो क्या होगा। दो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आते हैं, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो पृथ्वी का तापमान कितना होता, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं और ये सभी पेपरों में तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम दो चार बातें, और मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत बातें समझ में आई होगी। सूर्य से आने वाली कम तरंग दैर्ध्य वाली किरणें, मतलब अधिक ऊर्जा वाली किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन वह वापस नहीं जा पाती, जिसके कारण पृथ्वी पर लगातार क्या होता है, एनर्जी बढ़ती रहती है, जिससे तापमान बढ़ता रहता है। अब कुछ बातें हम नोट में लिखेंगे, कुछ बातें नोट में हम, ये बातें ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में ही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में ही ये बातें हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में ही ये बातें हैं। नोट डाल के लिखना, नोट डाल के लिखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए पृथ्वी पर यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, पृथ्वी पर यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो क्या होता, नहीं होता तो क्या होता बताओ, पृथ्वी पर अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो क्या होता। तो जो इस समय पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, वह इतना ना रहकर माइनस के 18 डिग्री कितना हो जाता भाई, माइनस के 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता,
कहने का मतलब क्या हुआ, माइनस में वैल्यू जा रही है, पृथ्वी इतनी ठंडी रहती कि इस पे जीवन ही संभव नहीं हो पाता, इस पर जीवन ही संभव नहीं हो पाता अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता। तो हम ये कह भी नहीं सकते कि ग्रीन हाउस इफेक्ट खराब है या अच्छा है। अगर ये नॉर्मल कंडीशन में रहे तो अच्छा है, लेकिन अगर इसकी मात्रा लगातार बढ़ती है तो हमारे लिए बहुत खराब भी है। अभी क्वेश्चन पीसीएस में जो पेपर हुआ था अभी, उसमें दो क्वेश्चन और ग्रीन हाउस इफेक्ट में आते हैं, और आप अगर इस क्लास को ले लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन अगर किसी भी एग्जाम में ग्रीन हाउस इफेक्ट से आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि CO2 की कंसंट्रेशन, CO2 की सांद्रता, CO2 की सांद्रता में क्या बढ़ोतरी आई है। देखो CO2 की सांद्रता 280 से 368 ppm, देखो CO2 की सांद्रता को मापते हैं हम ppm, किसमें मापते हैं, ppm में मापते हैं, 280 से लेकर 368 ppm तक CO2 की सांद्रता बढ़ी सन 1956 से 2001, सन 1956 से 2001। ठीक है, एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है, देखो 2020 तक एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है, 2020 तक ये मात्रा दुगनी हो जाएगी, 2020 तक ये मात्रा कितनी हो जाएगी भाई, दुगनी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अगली बात तुमसे पूछी जाती है अभी, और क्या इफेक्ट पड़ते हैं। देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो पृथ्वी पे जो हमारा पानी है, पृथ्वी पे जो हमारा पानी है, पृथ्वी पर जो हमारा पानी है लगभग कितना है भाई, लगभग पानी है 71%, जिसका 97.5% पानी कहाँ है भाई, समुद्रों में, कहाँ है, समुद्रों में है। 1.97% पानी कहाँ है भाई, बर्फ के रूप में, बर्फ के रूप में है या ग्लेशियर्स के रूप में, बर्फ के रूप में है, इसके रूप में भी ग्लेशियर्स के रूप में है। 0.5 से 0.6% पानी मृदा है, मृदा में। तो देखो जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स क्या हो जाएंगे भाई, पिघल जाएंगे, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो क्या होगा, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो क्या होगा, बाढ़ आएगी, क्या आएगी भाई, बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी तो क्या होगा, तबाही होगी, बाढ़ आएगी तो तबाही होगी। जैसे तुमने आपको आज देखा होगा कि केदारनाथ में उत्तराखंड में बाढ़ आई है, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का बढ़ना, ठीक है, तबाही होगी, तबाही होगी तो जैसे हमारा जीवन की उत्पत्ति पानी में हुई थी ऐसे ही हमारा जीवन समाप्त भी किसमें हो जाएगा, पानी में हो जाएगा। तो आपकी मौत को बुलावा खुद दे रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाकर, इसलिए हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ने नहीं देना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ने से रोकना है। पेड़ पौधे लगाने हैं, पेड़ पौधे लगाने से कैसे कम होगा वो हम देखेंगे, ये तुम्हें बताएंगे। ठीक है, अच्छा कुछ और बातें भी करते हैं इससे संबंधित, इससे संबंधित कुछ और बातें भी करते हैं। ठीक है, अच्छा 20वीं शताब्दी में ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, 20वीं शताब्दी में ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से समुद्र का जलस्तर 1 से 2 मिलीमीटर प्रतिवर्ष बढ़ता है। 1 से 2 मिलीमीटर समुद्र की सतह जो है ऊपर की ओर बढ़ जाती है, किसकी वजह से भी, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। और क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जैसे देखो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, कौन से क्षेत्र भी, पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में ठंडा मौसम रहता है, कैसा रहता है ठंडा, कुछ फल सब्जियां एवं फूल की ऐसी प्रकृति होती है कि वो अधिक तापमान में अच्छी पैदावार देते हैं, इसलिए पहाड़ों के लोग कांच का या पॉलीगैट का घर बना के उस
अच्छी होती है। कहाँ पे भी पर्वतीय क्षेत्रों में ठंडा रहता है, कांच के गर्मा के उसके अंदर फसलों को उगाया जाता है जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो अधिक टेम्परेचर में जो उगने वाली फसलें हैं उसकी पैदावार अच्छी होती है वहाँ पे। अच्छा एक एग्जांपल तुमने बहुत ही देखा होगा, जब तुम कार से शॉपिंग वगैरह करने जाते हो तो कार को तुम धूप में पार्क कर देते हो और थोड़ी देर के बाद आके उसमें बैठते हो तो कार अंदर से बहुत गर्म हो जाती है, तो वो गर्म कार किसकी वजह से हुई है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से कार गर्म हो रही है, उसमें CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार गर्म हो जाती है अंदर से। ठीक है, बताइए अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच।